गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, अब की सबसे बड़ी न्यूज अभी क्या रही है, जो SSC MTS और SSC CGL रिजल्ट को लेके आ रही है। दोस्तों, आपके ऑफिशियल कैलेंडर में जो उनका रिजल्ट डिक्लेरेशन होता है, उसमें SSC ने बोला था कि आज 25 तारीख को जो है SSC MTS और SSC CGL का रिजल्ट घोषित करेगा। लेकिन रिजल्ट को लेकर काफ़ी बड़ी न्यूज आ रही है तथा जो SSC की तरफ से देखा जा रहा है, लेकिन जो भी है न्यूज, कहीं खुशी कहीं गम का माहौल है दोस्तों। लेकिन न्यूज़ जो है कुछ सही भी नहीं है, क्योंकि लड़के बहुत दिन से वेट कर रहे थे। आखिर में इन रिजल्ट को लेकर हुआ क्या, SSC में जो रिजल्ट है डिक्लेयर करने में काफ़ी लेट हो रहा है। अब क्या मैटर है दोस्तों, क्या नहीं है, अब सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं तथा बिना लेट किए हुए देखते हैं कि न्यूज़ क्या है, कौन कौन सा रिजल्ट घोषित किया गया है SSC MTS का, कि SSC CGL का, तथा कब घोषित किया जाएगा रिजल्ट। पूरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए दोस्तों, क्योंकि लास्ट तक इसमें है सब, क्या सस्पेंस बना हुआ, क्या है क्या नहीं है। तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना भूले दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, चलते सीधे वीडियो की तरफ। सीधे हम दोस्तों सीधे SSC की वेबसाइट पे आ चुके हैं। SSC की वेबसाइट पर आने के बाद सीधे देख सकते हैं स्टेटस रिपोर्ट। पहले इसे छोड़िए दोस्तों, पहले सीधे आते हैं 25 तारीख को। इसमें नीचे से दोस्तों आएंगे तो वहाँ पर CGL का रिजल्ट है। अब सॉरी दोस्तों, इसमें थोड़ा बैक करना पड़ेगा नेटवर्क यहाँ के दोस्तों। फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर खुल जाएगा। खुलने के बाद कुछ डाउनलोडिंग हो रही है दोस्तों, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है। अब डाउनलोडिंग में से देख सकते हैं इसमें क्या दिया है। SSC CGL का जो रिजल्ट में से देख सकते हैं, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2018 डिक्लेयर रिजल्ट, और टायर टू एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो हुआ था उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। अब रिजल्ट में दोस्तों क्या है, सीधे चलते हैं रिजल्ट की तरफ देखते हैं। देख सकते हैं जो दोस्तों रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, इसमें दिया है टायर टू एग्जाम जो आपका अभी अभी कराया गया था, उसमें दिया है इसका कट ऑफ के बारे में दिया है। कट ऑफ कितनी गई, SC ST OBC सब सब कट ऑफ आप देख सकते हैं। ओवरऑल कट ऑफ 572 गया है जनरल का, तथा OBC का 510 तथा ST का 500 460 तथा 430 SC वालों का, और भी कट ऑफ देख सकते हैं। इसमें टोटल आप जो 5,000 लड़के क्वालिफाई किए गए हैं, तथा सेकेंड वाले में देख सकते हैं टोटल लड़के 2672 पोस्ट है, 2672 लड़के क्वालिफाई किए हैं टायर टू में, तथा थर्ड वाले पेपर टोटल मिला के 50,240। दोस्तों अभी सबसे सीधे पीछे चलते हैं हम MTS रिजल्ट को लेकर। देख सकते हैं नीचे दोस्तों क्या स्टेटस रिपोर्ट आ गया है। स्टेटस रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे दोस्तों, स्टेटस रिपोर्ट में दिया क्या है SSC ने। स्टेटस रिपोर्ट दोस्तों डाउनलोड हो चुका है, सीधे हम नीचे चलते हैं। यहाँ पे कुछ देखने लायक नहीं हम लोग के नीचे, सीधे नीचे चलते हैं। देख सकते हैं दोस्तों क्या दिया है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल इन्होंने 25 तारीख को बोला था, 25 तारीख को जल्द डिक्लेयर कर चुके हैं। अब देखिए इनको मल्टीटास्किंग नहीं, 25/10 को इन्होंने डिक्लेयर करना था, इनको डेट बढ़ा के 5/11 ले गए। मतलब आपका रिजल्ट पोस्टपोन कर दिया गया है 25 तारीख को। अब आपका 25 तारीख को रिजल्ट नहीं आ रहा है, 100% क्लियर हो चुका है। अब रिजल्ट आपको 5 तारीख को आएगा, लेकिन ये भी टेंटेटिव है, 101% रिजल्ट आपका 5 तारीख से पहले आ जाएगा, क्योंकि टेंटेटिव डेट, लेकिन 17 को इन्होंने डेट फिक्स किया, 24 को दोस्तों सारी दोस्तों 24 को इन्होंने डेट फिक्स कर दिया है टायर टू का। इसलिए उनको सोचता है कि नवंबर आपको दीपावली बीतने के तुरंत 1-2 दिन बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी दोस्तों ये SSC की तरफ से गलत है, गलत किया गया। जब रिजल्ट डेट दे के भी लड़के कब से वेट कर, फिर भी इन्होंने रिजल्ट कैंसिल कर दिया। अब रिजल्ट कैंसिल कर पोस्टपोन किया, आप देखिए कब तक रिजल्ट जारी करते हैं, 5 तक दिए कि 5 से पहले रिजल्ट देखने को मिलेगा। बस दोस्तों अभी तक के लिए यही न्यूज़ थी, तथा हमारे चैनल से बन रही है तथा SSC MTS तथा SSC से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना भूल दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।